हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तिल की चिक्की की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है घर पे बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी भर के देसी तिल, एक कटोरी भर के हमें ये चिक्की का गुल चाहिए, और एक स्पून भर के हमें देसी घी लगेगा, और आधा स्पून हमें इलायची पाउडर लगेगा, और ये खाने का सोडा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर ना डालें, ये हमें एक चुटकी लगेगा। अब हम पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और पैन रख दिया है। पैन के गर्म होते ही हम उसमें तिल डाल देंगे, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। तिल को हमें अच्छे से भूनना है, वो अच्छे से क्रिस्पी होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे भून जाए। ये हमें इसलिए करना है क्योंकि ये जो चिक्की हम बनाने वाले हैं, ये 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट रहती है, इसमें कुछ ऐसे ख़राब नहीं होती ये तिल। इसीलिए हमें जो तिल में का जो मॉइस्चर होता है, वो पूरी तरह से भून के निकाल लेना है। इसीलिए हमें तिल को अच्छे से भूनना है। तिल अच्छे से भून जाने के बाद 3 से 4 मिनट तक हमें अच्छे से तिल को भूनना है। तिल जैसे ही हमारी भून जाएगी, हम वो दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, और हम ये लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तिल को भूनेंगे, जिससे कि ये कढ़ाई में से ऐसे उछलेगी नहीं और अच्छी सी भुन जाएगी। अब हम ये तिल दूसरी प्लेट में मैंने निकाली है, इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम ये जो मैंने गुड़ लिया है, ये मेल्ट कर लेंगे। ये मैंने वही एक कटोरी भर के गुड़ लिया है, इसकी मेजरमेंट ही यही रखनी है हमें। जितना हम गुड़ तिल लेंगे, उतना ही हमें गुड़ लेना है, और गुड़ के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे गुड़ को भी 3 से 4 मिनट लगते हैं मेल्ट होने के लिए। अच्छे से ये जो गुड़ की गुठलियाँ है, हम ये स्पैचुला की मदद से तोड़ लेंगे। अब ये देखिए, अच्छे से गुड़ की चाशनी बन चुकी है। अब इस स्टेज पे आके ये देखिए, अब इसमें कैसे बुलबुले आ रहे हैं। इस स्टेज पे आके हम गुड़ की चाशनी की एक बार टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ली है, उसमें थोड़ा सा पानी लिया है रूम टेम्परेचर का ही, उसमें हम ये चाशनी डालेंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए उसमें ही रखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये चाशनी अभी हुई नहीं है, ये ऐसी चिपक रही है। अभी हमें और 2 से 3 मिनट तक ये चाशनी को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, और भूनते वक्त हमें याद रखना है कि हमें ये लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेनी है चाशनी भी, ये नीचे पैन के तले में लग ना जाए, इसकी हमें देखना है। और 2 मिनट होने के बाद हम फिर से एक बार चाशनी बनी या नहीं ये देखेंगे। तो ये देखिए, ये अभी तक नहीं बनी है, ये अभी भी ऐसी चिपक रही है। तो ये चाशनी जो है, ये इस स्टेज पे आने के बाद ये जो चाशनी है, ये जब हम तिड़के लड्डू बनाते हैं इसके लिए परफेक्ट है, बट हमें लड्डू नहीं बनाने हैं, हम चिक्की बनाने वाले हैं, तो हमें ये और 1 मिनट तक पका लेनी है। तो 1 मिनट हो जाने के बाद हम फिर से ये चाशनी पानी में डाल के देखेंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे, तो तब जाके ये चाशनी हमारी बन गई है। ये पानी में डालते ही ऐसे क्रिस्टल की तरह कड़क होनी चाहिए और टूटनी चाहिए ऐसे दबाने से। तो इस तरह से हमारी ये चाशनी होनी चाहिए। ये देखिए, अब ये हमारी चाशनी रेडी हो गई है। ये हाथ में लेते ही, दबाते ही टूट रही है, ये देखिए। अब हम इस स्टेज पे आके गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, और जो हमने तिल को भून लिया था, वो तिल इसमें शामिल कर देंगे।
और इसे अच्छे से एक सा करके हम आधे मिनट तक इसे भून लेंगे और फिर हम तब तक ये इसे अच्छे से आधे मिनट तक भून लेंगे। और इसमें इस स्टेज पे आके हमें एक चम्मच भर के देसी घी डालना है। देसी घी हमें बस तिल में एक शाइनिंग आने के लिए हम डाल रहे हैं और उसके बाद हम आधा चम्मच भर के इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे। और अब हम इधर बेलन को घी लगा लेंगे और जो कटोरी से हम उसे स्प्रेड करने वाले हैं उसे भी घी लगा लेंगे। और मैं ये किचन के सरफेस पे ही चिक्की बेलने वाली हूँ तो उस पर मैंने ये घी लगा लिया है और उसी पे मैंने ये पूरा बैटर तिल का डाल दिया है और कटोरी की मदद से मैं अच्छी तरह से इसे ऐसे गोल गोल स्प्रेड कर लूँगी। थोड़ा सा वो स्प्रेड होते ही मैं बेलन की मदद से इसे बेल लूँगी। हमें जितनी हो सके उतनी फास्ट और जल्दी से इसे बेलना है और पतला बेलना है जिससे ये जल्दी से जल्दी बेली जाती है, नहीं तो ये कड़क होने लगती है। और ये चिक्की हमें बेलने के तुरंत बाद ही इसे कट कर लेनी है हमें जो साइज़ में चाहिए उस साइज़ में। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी ये चिक्की बन चुकी है। बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है ये अगर हम सोडा डालते हैं इसमें तो ये चिक्की 2-2.5 महीने तक ठीक से चल जाती है। सोडा हमें इसलिए डालना है कि ये ज़्यादा दिन तक चले, बट मैं सोडा नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो मैं सोडा डाल के ज़्यादातर कुछ बनाती नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे सोडा चिक्के में नहीं डाला है। फिर भी ये 1-1.5 महीने तक चल जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये मकर संक्रांत स्पेशल चिक्की, तिल की चिक्की की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं।